नमस्कार दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा हम चल रहे हैं अपने दिल्ली एनसीआर के हिडन नेस्ट के अंदर, जो कि है ओखला बर्ड सेंचुरी। ओखला बर्ड सेंचुरी आपका ये दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर के बीच में है, जहाँ के पास में एक शनि मंदिर भी है जो कि सिद्ध शनि मंदिर है, जहाँ पे हर शनिवार को भंडारा आयोजित किया जाता है और बहुत ही भीड़ होती है। तो हम चल रहे हैं ओखला बर्ड सेंचुरी के ये मेन गेट से अंदर, जहाँ पे एंट्री टिकट 30 रुपीज़ है पर पर्सन फॉर इंडियंस, और आपको अलग से अगर आप कैमरा लेके जा रहे हैं तो 500 अलग से पे करने पड़ते हैं। बहुत ही सूदिंग, काम और बहुत ही पीसफुल जगह है ये। आप शूज़ पहन के ज़रूर आइएगा, क्योंकि थोड़ी खुदरी सी मिट्टी है यहाँ पे। टावर 1 और टावर 2 बर्ड सेंचुरी के मेन टावर्स हैं, जहाँ से आप पूरे बर्ड सेंचुरी को 20 फीट की हाइट से ऊपर से आराम से अपने DSLR से कैप्चर कर सकते हैं लॉन्ग रेंज तक। यहाँ पे एक पुल भी आता है लकड़ी का, जो कि पूरे दलदल पे बना हुआ है और बहुत ही एडवेंचरस है। अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी कि जैसे आप अभी नीचे ही गिरने वाले हों। थोड़ी दूर वॉक करने के बाद ही हम पहुंच गए टावर 2 के पास, जहां पे हम ऊपर चढ़े, जो कि स्टेबल था। आराम से 5 से 6 लोग एक बार में ऊपर जाके देख सकते हैं पूरे नज़ारे को। यहाँ का व्यू, यहाँ की सेरेन ब्यूटी, आप खुद से सीनरी को एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। पीक विंटर्स में और पीक समर में यहाँ पे अलग अलग माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं। मॉनसून में अलग माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं, तो अभी पीक विंटर आने वाला है जहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड्स आएंगी बहुत सारी। अगर आप जाके देखना चाहें और कैप्चर करना चाहें, जैसे कि अभी बहुत सारी डक्स आई हुई थी जो कि पानी में आपको ये सामने दिख रही हैं, ऐसी बहुत सारी माइग्रेटिंग बर्ड्स आने वाली हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी बहुत ही अच्छा समय है जाने का, आप विजिट कर सकते हैं।
लेक के दूसरी तरफ टावर वन है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग आ रहे हैं या फिर जो लोग आके जा चुके हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके आप प्लास्टिक की बॉटल्स डस्टबिन में ही गिराएं और प्लास्टिक के रैपर्स भी डस्टबिन में ही गिराएं, क्योंकि यहाँ पे डक्स वगैरह और छोटे मोटे बर्ड्स वगैरह हैं जो पानी के अंदर अपना भोजन ढूंढते हैं, आहार ढूंढते हैं। उनको अगर ये प्लास्टिक उनके मुँह में या उनके पेट में चली जाए तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कृपया करके आप प्लास्टिक ना लाएं अंदर। टावर टू से व्यू और नज़ारे लेने के बाद हम चल पड़े टावर वन की तरफ। टावर वन की तरफ हमारा अप्रॉक्स 500 से 800 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम चलेंगे और आराम से एंजॉय करते नेचर को चलेंगे। हमारा टावर टू लकड़ी का बना हुआ है और थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी और ये वार्निंग साइन बोर्ड भी है कि कोई भी ऊपर ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी डिसबैलेंस्ड है और हिल रहा है, इसका बेस स्टेबल नहीं है। इसलिए जो भी टावर टू पे जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्षतिग्रस्त है और टावर के ऊपर ना जाए। न्यू दिल्ली NCR के बीच में हिडन नेस्ट आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, और आप इस नेचर ब्यूटी को, इस सेरेन ब्यूटी को एंजॉय करिए, सीनरी को।
तो ये थी मेरी उखला बर्ड सेंचुरी की वीडियो। काफ़ी पीसफुल जगह है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ये हमारा विज़िट था बर्ड सेंचुरी ओखला, जो कि न्यू दिल्ली बॉर्डर पे है। आप कभी भी आके विज़िट कर सकते हैं, 30 रुपीज़ पर एंट्री है। हम ऑफ सीज़न गए थे, अगर आप ऑन सीज़न यानी कि मॉनसून एंड पीक विंटर सीज़न में जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, आपको सबसे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे और सबसे अच्छी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स मिलेंगी। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं बर्ड सेंचुरी से और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार।